महिलाओं ने सिंदूर नहीं लगा रखा, मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो वो खाली प्लॉट है, ये बोला है उन्होंने। इस इन सब बातों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरीके के इंसान हैं, भीख मांग रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। जो आप मंदिरों में जाके वेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें दो, घरों में आज गुलामगिरी रख दें और संविधान रख दें तो आज उनमें बुद्धि आ जाएगी, उनमें बुद्धि आ जाएगी कि वो किस रास्ते पर, वो किस मार्ग पर चल रहे हैं। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरक का मार्ग है। मैडम कौन से वाली यादव है, ललित सिंह वाली यादव या श्री कृष्ण जी वाली यादव? ललित सिंह वाली यादव हूँ। पहले तो मैं कृष्ण जी को ही मानती थी, पर अब जब से बुक्स पढ़ी, जब से ज्ञान मिला, तब से अब ललित सिंह वाले यादव हैं। तो मैडम ने अभी राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था अपने वक्तव्य में, उसी को लेकर हमारी चर्चा है। मैडम ऐसा क्या हुआ कि आप जिस व्यवस्था में थी उस व्यवस्था को छोड़कर हिंदू धर्म को लात मारकर आप बुद्धिस्ट धर्म की तरफ बढ़ी, बाबा साहब अम्बेडकर फूले साहू की तरफ बढ़ी? जब हमें जातिवाद खुद सहना पड़ा, क्योंकि पहले हम लोगों को नहीं पता था। यादव भी जातिवाद सहते हैं? यादव ही जो मूर्ख लोग हैं, यादव जिनके घरों में आज गुलामगिरी रख दें और संविधान रख दें तो आज उनमें बुद्धि आ जाएगी, उनमें बुद्धि आ जाएगी कि वो किस रास्ते पर, वो किस मार्ग पर चल रहे हैं। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरक का मार्ग है। उसमें उस रास्ते पर कुछ नहीं नसीब होने वाला है। हमें बाबा साहेब ने जो हमें कहा है, जो हमें विचार दिए हैं, उनके ही विचारों को मानना चाहिए। मैडम लाखों की संख्या में महिलाएं बाबाओं के डोरों पर जा रही हैं, श्री कृष्ण भक्ति राम भक्ति में खोई हुई हैं, क्या लगता है कि वो मूर्ख हैं जैसा आपने अभी कहा? मूर्ख ही हैं, उन बाबाओं के पास जवाब कहाँ है। आजकल जो बाबा बालकेश्वर हैं, बागेश्वर हैं, उनसे जवाब जब कोई बच्चा उनके सामने पूछता है तो वो कहाँ जवाब दे पाते हैं। वो तो कह रहे महिलाएं खाली प्लॉट रजिस्ट्री। हाँ सुना, अगर महिलाओं ने सिंदूर नहीं लगा रखा, मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो वो खाली प्लॉट है, ये बोला है उन्होंने। इस इन सब बातों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरीके के इंसान हैं, वो किस रास्ते पर वो लेके जा रहे हैं लोगों को, दिखा रहे हैं लोगों जो पाखंडवाद, जिनका जवाब ही नहीं है, वो यूं कह दे कि कुछ भी ये करो तो इससे आपका भला होगा, गोबर लगा लो मुंह पे तो जो महिलाएं हैं उन्हें वस्त्र समेत नहाना चाहिए, ये उनकी कुछ बातें हैं जिनका कोई सर पैर की बातें नहीं है ये। मैडम आपको नहीं लगता दूध को शिवलिंग के ऊपर चला देते हैं और गाय के पेशाब को व्यक्तियों को पिला रहे हैं, मनुष्यों को पिला रहे हैं, वो भी दूध से डबल महंगा, क्या लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है? भाई बाबा रामदेव पेशाब को पैकेट में बेच रहे हैं ना, 50 रुपए 60 लीटर बेच रहे हैं, उतना ही रेट दूध का भी है। दूध जो कुपोषण के शिकार बच्चे उनको दूध मिलना चाहिए, हजारों टन दूध रोज शिवलिंग पर चला दिया जाता है। ना जो मंदिरों में आप लोग शिवलिंग पे दूध जो वेस्ट कर रहे हैं, अगर मंदिरों में दूध चढ़ाने से कुछ मिलता तो बाहर भिखारी क्यों बैठे रहते जी? बाहर भिखारी क्यों बैठे रहते हैं कि जो भीख मांग रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, जो आप मंदिरों में जाके वेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें दो। तो नहीं कोई बात नहीं, यादव समाज तो अपने आप को यदुवंशी मानता है, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का वंशज मानता है, जबकि कृष्ण ग्वाले थे ऐसा कहा जाता है, वो क्षत्रिय थे। आपको बोलना पड़ेगा तभी तो लोगों की आंखें खुलेंगी, जो लोग इस चीज से ग्रसित हैं, ब्राह्मणवाद से ग्रसित, वो कैसे आएंगे निकलेंगे? कृष्ण के बारे में तो क्या ही बोले, जो उन्होंने खेल रचा है दुनिया को, जो कपड़े लेकर भाग जाते थे, हाँ कपड़े लेकर भाग जाते थे वो महिलाओं के, अब क्या ही बोला जाएगा उनके बारे में। अच्छा आप कोई बात नहीं, यादव समाज से हैं, आपने इंटरकास्ट मैरिज की है और समाज को एक दिशा निर्देश भी किया है कि इस तरीके से हम लोग एक रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करेंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में चलकर
आपस में जो प्रेम सौहार्द जो बनना चाहिए समाजों के बीच में वो बनेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी जो अगर आप खुद उसका रिश्ता करते हैं और वो परेशान रहती है, और अगर वो खुद रिश्ता कर ले, अगर वो खुद कर लेती है शादी, वो चाहे किसी भी समाज से गए और वो सुखी है, संपन्न है, हर चीज से शिक्षित दीक्षित हो जाती है, तो आप लोगों को ये स्वीकार नहीं है। पर आप लोग अगर खुद उसका रिश्ता करते हैं अपने अपने समाज में अपने उसमें और वो फिर भी परेशान रहती है, तो ये आप लोगों को मंजूर रहता है। लेकिन मैडम परिवारों को तो मणिपुर जैसी घटनाएं पसंद है। देखिए 200 से ज्यादा लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं पूरे समाज में, और वो भी 4 मई की घटना है जो जो इतने दिनों बाद सामने आई है, उस चीज पे कोई वो नहीं है। वो भी एक वीडियो वायरल हो गई तो देश दुनिया को पता लग गया, नहीं तो पता ही नहीं लग पाता कि क्या हो रहा है, किन लोगों के साथ कितनी ज्यादा दरिंदगी हो रही है, और हम यहाँ सुकून की सांस ले रहे हैं। क्योंकि जब महिला शिक्षित ही नहीं रहेगी, उसे ज्ञान ही नहीं रहेगा कि वो अपने अपने आने वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाए लिखाए, क्या करे, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या योजना दी है उन्होंने बेटी पढ़ाने के लिए? वो इतनी महंगी शिक्षा कर दे रहे हैं, जो अच्छे करोड़पति लोग हैं जिनकी जेब में पैसा है वो ही पढ़ पाएगा बस। वो मणिपुर मामले पर, मणिपुर की घटना पे वो क्रोध में है, गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा। गुस्सा होके वो क्या, वो फ्रांस घूमने चले गए गुस्सा होके? उन्होंने क्या किया है गुस्सा फ्रांस में भी तो बेटियां इंतजार कर रही थी उनका। हाँ, बेटियां इंतजार कर रही थी, पर जिनके साथ दुर्घटना घट चुकी है वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने बता तो दिया मैं गुस्से में हूँ, क्रोध में हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो कर सकता है वो उसको अभी पता ही नहीं है। जो एसटी होके, जो राष्ट्रपति है देश का, जो एससी एसटी होके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रथम नागरिक है इस देश का, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं।